वोटिंग ऐसे करेंगे, आरपी सिंह है पुराने बीजेपी के, वो भी एक अच्छे आदमी घूमते रहते हैं अपने इलाके में। रही बात उम्मीदवार की, कांग्रेस की जो भी कांग्रेसी उम्मीदवार उतारेगा तो इस बेल्ट का ए बी सी और ए जरूर कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। थिंकिंग है ये, मेरी अपनी थिंकिंग है, ये मत समझना मैं किसी कांग्रेसी का हूँ या किसी का ना, मेरी अपनी इच्छा निजी इच्छा किसी को भी दे सकता हूँ। तो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राघव चड्ढा, उनके बारे में आपको है पता है? हमें भी नहीं पता जी। क्यों नहीं पता? जानते नहीं, नाम ही पहले पहले। आपके पुराने विधायक का नाम क्या है? पुराने विधायक का तो यहाँ पे अपने ये थे अपने ये। देखिए, जनता को विधायक का नाम नहीं पता है, इससे साफ जाहिर होता है कि जनता के संपर्क में विधायक नहीं रहे। वादे बहुत किए जाते हैं लेकिन रह जाते हैं अधूरे। और भी लोग हैं, आपके विधायक का नाम क्या है? विजेंद्र गर्ग। विजेंद्र गर्ग आपके विधायक का नाम है? हाँ, सही बता रहे हैं। अभी तो विजेंद्र गर्ग साहब, आपका तो ये है, क्या नाम है? चड्ढा साहब। हाँ, चड्ढा कौन से पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। चड्ढा को कभी देखे हैं आप? देखेंगे, अभी तक तो देख नहीं। मतलब आपके उम्मीदवार हैं, क्षेत्र में आए हैं? अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए हैं। क्या आपको लगता है, पिछली बार आप वोटिंग किए थे? हाँ, किए थे। क्या मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट दिया था? यही अपना विकास होगा दिल्ली का। तो हुआ विकास? अभी इन्होंने कुछ करा नहीं है। नहीं किया है? तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पे आप वोटिंग कीजिएगा? अब ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। आप लोग यहाँ पे हैं, आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल को फिर से आप दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहते हैं? हाँ, बनेगा वही। क्यों बनेगा? अच्छा काम कर रहा है। क्या किया आपके लिए? रेडी पटरी जो है सब लगने दे रहा है, या कोई तंग नहीं कर रहा पुलिस वाले। अच्छा, आपके विधायक का नाम क्या था जो पिछली बार यहाँ से जीते थे, उनका नाम क्या था? हम तो राजेंद्र नगर से हैं। तो राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में ही हम खड़े हैं। हाँ, तो ये आरपी सिंह हैं। आरपी सिंह विधायक थे? अच्छा, नहीं नहीं, विजेंद्र। तय कर लीजिए आप लोग की विधायक कौन थे, हम बाद में बताएंगे। यहाँ का तो विजेंद्र गढ़ है। मतलब विधायक का नाम नहीं पता है जनता को, और फिर भी जनता ये कह रही है कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव से पहले नेताजी गलियों में घूमते हैं लेकिन चुनाव के बाद वो गायब हो जाते हैं। आप बताइए। हाँ जी, बताइए। क्या माहौल है? माहौल सीधा साफ है, आम आदमी पार्टी आएगी। यहाँ पे कैंडिडेट को नहीं वोट दिया जाएगा। आपको नाम है पता विधायक? हाँ, सबका पता है मेरे को, विधायक का भी पता पिछले है। पिछले बार जो विधायक थे उनका नाम क्या है? विजेंद्र गर्ग। हाँ जी, वही विधायक थे? हाँ, पिछली बार वही विधायक थे राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, और इस बार कौन उम्मीदवार? राघव चड्ढा। हाँ, राघव चड्ढा आए हैं क्षेत्र में? अभी तो उन्होंने अभी नॉमिनेशन फाइल किया है ना। हाँ, अभी तो वो आएंगे, जब आएंगे 5 साल में उनका काम भी बताएगा कि वो क्या। पिछले बार जो विधायक थे उन्होंने अच्छा काम किया? सर, मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बीजेपी में एक फेस है नरेंद्र मोदी, जिसके बिहाफ पे हम मोदी पे भी नहीं जा रहे हैं। हम अभी मोदी पे नहीं जा रहे, राजेंद्र नगर में बता रहा हूँ। हम वोट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को ऑन द फेस ऑफ अरविंद केजरीवाल, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। एक मिनट, बात ये बताइए कि आप लोग अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन काम तो विधायक जी करेंगे? नहीं, तो विधायक जी ने भी काम किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। पर 5 साल में आप चाहो कि कॉन्स्टिट्यूएंट ही विकास किया है। हम खड़े हैं और मैं पानी क्या बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने तो दो पहले। आप मेरे को पहले बोलने दो। 5 साल में ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी एकदम से पेरिस बन जाएगी, उनको भी टाइम चाहिए। पर जो पिछले MLA थे उनके अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया है, घर घर पानी पहुंचा है, ठीक है, जनता को बिजली फ्री मिल रही है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, लेडीज़ों को बस में फ्री ट्रैवलिंग है। दूसरी चीज़ उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हर बस में गार्ड रहेगा, वो गार्ड भी है, जिससे लेडीज़ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसा मुफ्त सही है? नहीं, मुफ्त ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो फिर से वही मुद्दा? फिर से वही मुद्दा है। फिर मुद्दा कोई नहीं, केजरीवाल हम मुख्यमंत्री, बस कुल मिलाकर केजरीवाल ही रहेंगे। कोई भी खड़ा हो। एक मुद्दा हमसे सुनिए, हम लोगों को जब रेडी पट्टी का काम करते हैं उस समय सब फ्री करवा दिए थे पुलिस वाले से वो, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस पर थोड़ा उनको सोचना चाहिए। हम लोग रेडी पट्टी लगा के हम हजारों आदमी गुजर कर रहे, उस पर भी तो थोड़ा सोचना चाहिए। क्या दिल्ली पुलिस उनके अंडर नहीं है केजरीवाल जी के अंडर? नहीं तो 49 दिन की सरकार में AC भी थी उनके पास में,
सारे डिपार्टमेंटों से करप्शन बंद हो गया था। अब अगर दिल्ली पुलिस उनको हैंडओवर कर दो महीने के अंदर आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज होती है। क्राइम ब्रांच थी वो भी छीन ली गई उनके हाथ से, इसलिए कमजोर पड़ गई सरकार।